कटू कटू इनकार जिंदर जी के पास आए हैं क्योंकि इस समय तेलंगाना में लड़ाई चल रही है। साइलेंट। लड़ाई चल रही है तेलंगाना के स्वाभिमान की और एक व्यक्ति की तानाशाही और अहंकार की। उस अहंकार और तानाशाही के खिलाफ, उसकी करप्शन के खिलाफ, उसके परिवारवाद के खिलाफ राजिंदर जी ने आवाज उठाई है और आवाज उठाकर उन्होंने जनता की आवाज को टीआरएस के अंदर भी उठाया, समाज में भी उठाया और आवाज को दबाने का प्रयास हुआ। तानाशाही तरीके से तेलंगाना की आवाज को दबाया जा रहा, इसलिए जो आंदोलन तेलंगाना को बनाने के लिए शुरू हुआ था, जिसमें पिछले 20 साल से इटला जी संघर्ष कर रहे थे, यहाँ के विकास के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने जब देखा है कि अंदर सरकार को अपने सभी मुद्दे भूल गए, केसीआर के ऊपर केसीआर का परिवार हैवी हो गया, तेलंगाना का आंदोलन पीछे रह गया और केसीआर की महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई, उन्होंने आवाज उठाई और उनकी आवाज आज तेलंगाना के आम जनमानस की आवाज है। जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी वही बात इन्होंने अंदर बैठ के की और वहां से विधानसभा से रिजाइन दिया। हम संकट विचार हैं, तेलंगाना के विकास को चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इटला राजिंदर जी का पार्टी के विचार के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, उसके लिए इनके पास आज हम सब लोग आए हैं। हम सब का एक ही उद्देश्य है कि तेलंगाना में से तानाशाही, परिवारवाद, व्यक्ति का अहंकार टूटना चाहिए, टूटना चाहिए, तानाशाही टूटनी चाहिए, जनमानस की आवाज पहुंचनी चाहिए। जो विचार लेकर आंदोलन शुरू हुआ था वो आंदोलन आगे बढ़े, इसके लिए तेलंगाना में जितने भी लोग आएंगे हम उनका सबका स्वागत करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच तेलंगाना के विकास की सोच है, तेलंगाना के सम्मान की सोच है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की सोच है, इसलिए हम सब मिलकर काम करें और इस धरती की सेवा कर सके। इसलिए मैं स्पेशल चल के यहाँ के जन नेता तेलंगाना आंदोलन के कर्ता धर्ता, जिन्होंने तेलंगाना को तेलंगाना राज्य बनाने के लिए लोकसभा से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ी, आज वो साथी, वो क्रांतिकारी, वो आंदोलनकारी केसीआर को छोड़ रहे हैं और ये इटला जी का आना केसीआर के लिए वाटरलू साबित होगा और निश्चित रूप से उनका अहंकार, उनका परिवारवाद हारेगा और जनमानस जीतेगा। धन्यवाद।
आप सबका स्वागत है, आप सब आइए, भारतीय जनता पार्टी।